सो हे गाइस, आई होप कि आप सब लोग अच्छे और मस्त होंगे। जो आप फ्री में वीडियो देख रहे हैं, इस टाइप की वीडियो अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में चल रही है, जो कि है दीपावली कमिंग सून में। तो इसकी वीडियो का टोटल लेके आ गया हूँ, जो कि आप फ्री में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको करने क्या है, वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना। जो भी यहाँ पे हमारी वीडियो को प्रॉपर देखते हैं वो यहाँ पे कॉमेंट करते हैं कि नाइस वीडियो, थैंक्स फॉर वीडियोस, इस तरीके से यहाँ पे कमेंट करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है और इजीली वो समझ भी जाते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है, वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना होगा। थोड़ा सा लंबा होता है वीडियो, बट यहाँ पे प्रॉपरली आपको समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सिंपल से आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके सिलेक्ट कर लेना, जैसा कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, जैसे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने स्टेप की ओर। तो अपने इलाइट मोशन एप्लीकेशन को सिंपल से ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको इस प्लस वाले आइकन पे टैप करना है, एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको 9:16 का रेशियो एंड रेजुलेशन, फ्रेम रेट, बैकग्राउंड आपको इसी टाइप से रखना है, एंड उसके बाद में क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको प्लस पे टैप करना है, और जिस भी साउंड पे इस वीडियो को एडिट करना हो उस साउंड को आपको सबसे पहले एडिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड करता हूँ। मीडिया पे क्लिक करने के बाद पे टैप करना है, एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप के आपको वीडियो को यहाँ पे ऐड कर देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पे आपको जो लिरिक्स वाली बीट आपको यहाँ पर दिख रही है, इन्हें आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो सिंपल से आपको हर एक जो जैसे ही यहाँ पे लिरिक्स चेंज होती है या फिर आती है, उस जगह पे आपको एक बीट को ऐड करना है, एंड उसके बाद में अब जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे आपको जहाँ पे काउंट यहाँ पे चलते हैं ये वाले, इस पर आपको टैप करना है। सिंपल से हमारा बीट मार्क ऐड हो जाता है रेड कलर में, एंड उसके बाद में मैं प्रॉपर तरीके से ऐड करने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बीट मार्क हमारी ऐड हो चुके हैं। उसके बाद में इस वीडियो पे टैप करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में नीचे आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करना है, देन उसके बाद में साउंड हमारा बाहर आ जाता है। वीडियो पे टैप करना है, इससे आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है, एंड उसके बाद प्लस पे टैप करना है, मीडिया पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से जो दीपावली वाली इमेज है उसे आपको यहाँ पर सिंपल से ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप की इमेज को ऐड कर दिया हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इसे फुल वीडियो में अप्लाई करना है, एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको जूम पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारी जो फोटो है यहाँ पर ऐड हो चुकी है बैकग्राउंड वाली। तो यहाँ पे आपको इधर से बैक करना है, इफेक्ट पे टैप करना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से जी ए यू आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आपको गॉसियन ब्लर आपको सिंपल से मिल जाएगा, क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है, एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको साइज को इंक्रीज कर देना है। 50 पे आप सिंपल से सेट कर सकते हैं, एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद थोड़ा सा आपको इसकी जो ऑपेसिटी है कम कर देना है, लमसम इससे आपको यहाँ पे 80 के राउंड बोर्ड आपको इसे सेट करना है, एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद प्लस पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से राउंडेड रेक्टेंगल को ऐड करना है, एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको एडिट शेप पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको पहले तो यहाँ पे आपको एक्स को 500 एंड उसके बाद में वाई को यहाँ पे आपको 550 एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको नीचे आपको रेडियस मिल जाएगा। रेडियस को कुछ इस टाइप से आपको इसे इंक्रीज कर देना है। यहाँ पे 100 पे सेट हो चुका है, एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद अब यहाँ पे आपको इसे फुल वीडियो में अप्लाई कर देना है। यहाँ तक आपको अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस पे टैप करना है, एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको मीडिया पे क्लिक करना है, इसी इमेज को फिर से ऐड करना है। यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग आपको इसे ऐड कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है, एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको फुल वीडियो में आपको इसे अप्लाई कर देना है, एंड उसके बाद में इस फोटो को यहाँ पे आपको रेक्टेंगल के नीचे करना है। सिंपल से आपको रेक्टेंगल को उठा के ऊपर कर देना है, एंड उसके बाद में दोनों को कुछ इस टाइप से क्लिक करना है, एंड उसके बाद में ग्रुप एंड मार्क्स पे टैप कर देना है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे इंटरफेस हो जाएगा, एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इस ग्रुप पे टैप करना है, बॉर्डर एंड शैडो पे आना है, और शैडो को कुछ इस टाइप से आपको इसे इनेबल करना है, एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे जीरो कुछ इस टाइप से आपको जीरो कर देना है, एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको इसके जो यहाँ पे शैडो वाला इफेक्ट इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर देना है, एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद सिंपल से आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके रोटेट पे क्लिक करना है, और 45 डिग्री आपको इसे सिंपल से रोटेट कर देना है। ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो चुका है, एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से आपको इसे छोटा भी कर देना है।
ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से हो चुका है एंड उसके बाद में प्लस पे टैप करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको चाहे तो इमेज को आप सीधा भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप से कर दिया हूँ। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको फिर से इस रेक्टेंगल को ऐड करना है एंड उसके बाद फिर से आपको एडिट शेप पे आना है और इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से 500, इसे नीचे वाले को भी आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से 550 कर देना है एंड कुछ इस टाइप से हो जाएगा। एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे 100 पे कर देना है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे जो आपका रेक्टेंगल है ऐड हो चुका है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इधर से बैक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जूम पे क्लिक करना है, कुछ इस टाइप से आपको इसे छोटा कर देना है। एंड उसके बाद में इधर से आपको सिंपल से बैक करना है, फुल वीडियो में आपको इसे अप्लाई करना है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इस प्लस वाले पे क्लिक करना है एंड उसके बाद मीडिया पे क्लिक करना है, इसी इमेज को फिर से आपको ऐड करना है एंड उसके बाद में मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको इसे छोटा कर देना है। इतना करने के बाद सिंपल से आपको इधर से बैक करना है, फुल वीडियो में आपको इसे अप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ओ एस लिख देना है, तो यहाँ पे आपको ऑक्सिलेट का ऑप्शन मिल जाता है, इफेक्ट मिल जाएगा, क्लिक करना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है एंड कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा कुछ इस टाइप से मैग्नीट्यूड, अगर आपको मैग्नीट्यूड यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है तो इससे आप सिंपल से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऐड है। इधर से आपको सिंपल से बैक कर देना है, बैक करने के बाद सिंपल से आपको इधर आ जाना है इस जगह पे एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको रेक्टेंगल को ऊपर इस जगह पे सेट करना है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको करना क्या है, दोनों को कुछ इस टाइप से आपको ऐड करना है और ग्रुप एंड मार्क्स पे टैप करना है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, बॉर्डर एंड शेडो पे आपको आ जाना है एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे जो पोजिशन वाली साइज है इन्हें आपको यहाँ पे 0 कर देना है एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको इसके साइज को कुछ इस टाइप से इंक्रीज कर देना है। ये कुछ इस टाइप से प्रॉपरली ऐड हो चुका है एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है, बैक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐड हो चुका है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको अब इस जगह पे आपको आना है, प्लस पे टैप करना है एंड उसके बाद में रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पे टैप करना है और यहाँ पे आपको कलर को व्हाइट कर देना है। एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है और बैक करने के बाद सिंपल से इधर से आपको बैक करना है, प्लस पे टैप करना है एंड टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इमोजी वाले पे लॉन्ग प्रेस करना है और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इमोजी को ऐड करना है, कलर पे टैप करना है एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको इसे ट्रांसपेरेंट करना है और यहाँ पे आपको गौर से देखना होगा तभी जाके, क्योंकि मैं आगे आपको नहीं बता रहा हूँ कैसे आपको इसे ऐड करना होगा, मैं यहाँ पे प्रोसेस बता दूंगा बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जैसा कि आप यहाँ पे कुछ कर पाएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ पे आपको इतना कर लेना ट्रांसपेरेंट। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको रोबोटो हिलर पे टैप करना है एंड कुछ इस टाइप का आपको फोन आप पे लाइट मोशन में होगा, सिंपल से आपको उसे ऐड कर देना है, iOS 15 करके आपको फोन मिल जाएगा, उसे आपको ऐड करना है, अलाइन पे टैप करना है एंड उसके बाद में 18 PT पे क्लिक करना है, इसके साइज को कुछ इस टाइप से आपको इसे इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद में डन पे टैप करना है। टैप करने के बाद सिंपल से यहाँ पे ये सेंटर में रहेगा, उसके बाद में अब यहाँ पे आपको करने क्या है, दोनों को कुछ इस टाइप से आपको लॉन्ग प्रेस करना है, सिलेक्ट करना है एंड ग्रुप क्रिएट कर देना है, ग्रुप हमारा बन चुका है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस जगह पे आना है एंड उसके बाद में आगे का जो भी स्ट्रा पार्ट से कट कर देना है, कट करेंगे तो कुछ इस टाइप से प्लस हमारा लग जाएगा, तो यहाँ पे आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ कॉपी लेयर कर लेना है, कॉपी लेयर करने के बाद सिंपल से इस जगह पे आपको आ जाना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है, पेस्ट करेंगे सिंपल से आपको इस ग्रुप पे आना है एंड उसके बाद में इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पर इस टाइप से रिमूव करना है एंड अभी आपको दूसरी सिंपल से आपको इमेज को ऐड कर देना है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड हो चुका है प्रॉपर तरीके से हमारा, ये भी मैंने बता दिया है। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इस जगह पे यहाँ से आपको लिरिक्स लिखना है, सिंपल से आपको प्लस पे टैप करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से लिख दिया एंड उसके बाद में अलाइन पे टैप करना है एंड रोबोटो ग्लेयर पे टैप करना है और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के आपको फॉन्ट को ऐड कर दिया एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको सिंपल से इस ग्रीन डॉट को कुछ इस टाइप से आपको इसे इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको 18 PT पे क्लिक करना है, इसके साइज को कुछ इस टाइप से आपको इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कलर पे टैप करना है, व्हाइट कलर को आपको सिंपल से सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद में अब इधर से आपको डन पे टैप करना है। टैप करने के बाद अब इसे आपका मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इस जगह पे आपको इसे नीचे यहाँ पे सेट कर देना है, इसे आपको यहाँ पे बीचों-बीच में इस जगह पे सेट करना है। सेट करने के बाद सिंपल से आपको इधर आगे आपको आ जाना है एंड उसके बाद में इस जगह पे आपको आगे बीट के अकॉर्डिंग आपको आना है, आगे का जो भी स्टेप है कुछ इस टाइप से कट करना है। कट करने के बाद सिंपल से कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो चुका है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इस पर आ जाना है इफेक्ट पे
एड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको व्हिप करके आपको इफेक्ट मिल जाएगा। व्हिप इफेक्ट को आपको ऐड करना है एंड उसके बाद में स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे एंड वाले पे क्लिक करना है। फर्स्ट में एक की अप्लाई करना है एंड उसके बाद में कुछ इस जगह पे आपको आ जाना है। इस जगह पे आने के बाद फिर से एक की अप्लाई कर देना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इसे 100 पे रखना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको इसे कुछ इस टाइप से 0 कर देना है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से 0 हो चुका है एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे आएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद में अब यहाँ पे आपको नीचे एंगल मिल जाएगा। एंगल को यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग जैसे कि मैं यहाँ पे इसे ऐड कर दूँ कुछ इस टाइप से यहाँ पे आएगा एंड उसके बाद में अब इसे आपने यहाँ पे फेदर को कुछ इस टाइप से आपको इसे इंक्रीज करना है जो कि आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग ऐड करना है एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो गया है एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है। बॉर्डर एंड शेडो पे आपको आ जाना है एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको इसे एनेबल कर देना है एंड इसके बाद में इधर से आपको बैक कर देना है। यहाँ पे आपको आने के बाद सिंपल से प्लस पे टैप करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में इमोजी वाले पे लॉन्ग प्रेस करना है और कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की दो इमोजी को ऐड करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इसे अलाइन पे टैप करना है और यहाँ पे आपको कलर पे बता ही दिया है, कलर को आपको आना है, बॉक्स पे आना है, इसे ट्रांसपेरेंट करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के आपको फॉन्ट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद सिंपल से आपको टेरापिटी पे क्लिक करके इस टाइप से आपको साइज को इंक्रीज कर देना है एंड उसके अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड बॉर्डर एंड शेडो पे आना है और शेडो को कुछ इस टाइप से आपको इसे एनेबल कर देना है तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे, देन उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे कुछ इस जगह पे आपको इसे ऐड करना है, इस जगह पे आ जाना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इधर से बैक करना है। बैक करने के बाद ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी पे टैप करना है एंड उसके बाद में कुछ इस जगह पे आपको यहाँ पे एक की ऐड करना है एंड उसके बाद में कुछ इस जगह पे आपको एक की ऐड कर देना है एंड उसके बाद में कुछ इस जगह पे एक की फिर से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इसे आपको यहाँ पे 0 एंड उसके बाद में इसे भी आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से 0 कर देना। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से करो को ऐड करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कॉपी पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में इस जगह पे आना है और यहाँ पे आपको इसे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको इसे रोटेट करना है तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हो जाएगा एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है और बैक करने के बाद सिंपल से आपको इस जगह पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है एंड उसके बाद इस जगह पे आपको एक की ऐड करना है एंड उसके बाद में अब इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से इस जगह पे सेट करना है। सेट करने के बाद सिंपल से आपको फर्स्ट में इस जगह पे आपको आ जाना है, यहाँ पे आना है, इस जगह पे आपको एक की ऐड करना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको कुछ इस जगह पे आपको एक की फिर से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको इसे नीचे यहाँ पे इस जगह पे सेट करना है। सेट करने के बाद सिंपल से आपको इस जगह पे सेट करना है। सेट करेंगे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगी जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे। तो इस जगह पे आपको यहाँ पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इस जगह पे आपको की मार्क को ऐड करना है एंड इस कर्व वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ इस टाइप के कर्व को सिंपल से आपको अप्लाई कर देना है एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है और बैक करने के बाद सिंपल से कुछ इस टाइप से हमारा जो यहाँ पे इफेक्ट लग गया है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना है। तो ये जो हमारा कुछ इस टाइप से लिरिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इस दोनों को कुछ इस टाइप से क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस लेयर वाले पे एंड कॉपी लेयर पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो बीट है बीट के अकॉर्डिंग आपको चले जाना है यहाँ पे एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको इसे सिंपल से पेस्ट करना है दोनों लेयर को एंड उसके बाद में तो कुछ इस टाइप से हो चुका है एंड उसके बाद में इस लिरिक्स पे चेंज करना है तो यहाँ पे आपको सिंपल से हटा देना है एंड दूसरी लेयर को लिरिक्स को आपको सिंपल से फिल कर देना है कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा एंड उसके बाद में नीचे आपको जो ऊपर में इमोजी दिख रही है इसे भी आपको उसी तरीके से ऐड कर सकते हैं एंड प्रॉपर तरीके से आपकी जो लिरिक्स की कम्प्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको जो यहाँ पे कोनों में यहाँ पे इमोजी ऐड होती है तो उन्हें आपको यहाँ पे ऐड करना है। सिंपल से आपको करना क्या है कुछ इस टाइप से आपको इसे ऐड कर देना है। लेयर कंप्लीट हो चुकी है एंड उसके बाद इन्हें कुछ इस टाइप से आपको ऐड करना है एंड उसके बाद में ग्रुप क्रिएट कर देना है। ग्रुप हमारा भाई ये जितनी सारी लेयर है इन्हें आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से नीचे सिंपल से ऐड कर देना है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे कुछ इस टाइप से प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ये ऐड हो चुका है एंड उसके बाद में अब यहाँ पे आपको प्लस पे टैप करना है एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से दीपावली वाली इमेज को सिंपल से आपको ऊपर में ऐड कर देना है एंड मूव करने वाली इमोजी को सिंपल से आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपको मीडिया पे टैप करना है एंड उसके बाद में कुछ इस टाइप का आपको इमेज को सिंपल से यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की इमेज आ चुकी है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके जूम पे क्लिक करना है और कुछ इस टाइप से आपको इसे छोटा करके कुछ इस जगह पे आपको ऊपर की ओर में यहाँ पे आपको अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद इधर से आपको बैक करना है, बॉर्डर एंड शेडो पे आपको आ जाना है। शेडो को कुछ इस टाइप से आपको इसे एनेबल करना है
जो प्रॉपर तरीके से आपके दिखना स्टार्ट हो गया। एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है और इससे आपको यहाँ पे फुल वीडियो में अप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद में इधर से आपको बैक करना है, प्लस पे टैप करना है एंड उसके बाद में टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इमोजी वाले पे लॉन्ग प्रेस करना है और कुछ इस टाइप का आपको इमोजी को ऐड करना है। अलाइन पे टैप करना है, इफेक्ट पे टैप करना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्विंग, स्विंग पे आपको क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है एंड उसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से, तो इसे आपको यहाँ पे 30 या फिर 35 के राउंड आप इसे फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में इस टाइप से 20 कर देना है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे देख पाएंगे आपका जो इफेक्ट यहाँ पे लग गया है। एंड उसके बाद में अब इधर से आपको सिंपल से बैक करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इस जगह पे आपको एक बार फिर से टैप करना है एंड कुछ इस टाइप से आपको इसे, अब यहाँ पे आपको इस इमोजी को कुछ इस टाइप से आपको इस जगह पे खींचकर यहाँ पे सेट करना है। तो ये यहाँ पे कुछ टाइप से ऐड हो चुका है। एंड उसके बाद अब यहाँ पे आपको प्लस पे टैप करना है, रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पे टैप करना है एंड उसे आपको यहाँ पे फुल वीडियो में अप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद में इफेक्ट पे टैप करना है, एड इफेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से कॉपी बैकग्राउंड आपको करके मिल जाएगा इफेक्ट, उसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, एड करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको फिर से क्लिक करना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपल स्टार फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे इसे ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इफेक्ट मिलेगा, क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप करना है एंड उसके बाद में इसे आपको यहाँ पे ओपन करना है, पोजीशन पे आपको एक की फर्स्ट में ऐड करना है एंड उसके बाद में लास्ट में इस जगह पे एक की फुट से ऐड करना है। ऐड करने के बाद कुछ इस टाइप से यहाँ पे इस वाई वाले पे क्लिक करना है और कुछ इस टाइप से आपको इसे इंक्रीज करना है, तो इसे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से सिंपल से सो पे आपको सिंपल से सेट करना है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपका जो इफेक्ट यहाँ पे लग गया है। तो उसके बाद में अब यहाँ पे आपको स्केल को कुछ इस टाइप से अपने अकॉर्डिंग इसे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ एंड उसके बाद में साइज को जितना जाए उतना आप यहाँ पे साइज को भी सिंपल से सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो फेदर है, फेदर को आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसे इंक्रीज कर देना है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको काउंट मिलेगा, काउंट को यहाँ पे आपको सिंपल से इस टाइप से कम कर देना है। कम करने के बाद इधर से आपको बैक करना है, बैक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ही वीडियो को और ऐड करना है, सिंपल से आपको इस प्लस पे टैप करना है एंड उसके बाद मीडिया पे टैप करना है और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से उस वीडियो को सिंपल से ऐड करना है। यहाँ पे हमारी वीडियो आ चुकी है एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे टैप करना है, लाइटिंग पे क्लिक करना है, स्क्रीन करना है, सिंपल से आपको कुछ इस टाइप से हमारा जो इफेक्ट लग गया है। एंड उसके बाद अब यहाँ पे आपको लास्ट में चले जाना है वीडियो के एंड जहाँ तक आपका वीडियो है उतना ही रखना है, आगे का जो भी स्टॉप पार्ट से कुछ इस टाइप से आपको इसे कट कर देना है। तो ये वीडियो हमारी प्रॉपर तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके सिलेक्ट करना, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल के साथ, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स।